It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on. Hello guys, welcome and welcome back to my channel. And if you are new to my channel, subscribe to my channel. Also hit the bell button ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. तो कुछ अलग लग रहा है, फेस्टिवल आ रही है भाई. बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरी मम्मी ने, ये पूरा का पूरा उन्हीं का आइडिया था. तो उनके लिए एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. और समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो क्या है, और ऑल्सो थंबनेल में भी आपने पढ़ ही लिया होगा. सो मैं दिखाऊंगी आपको दिवाली आउटफिट्स. कुछ DIY है, कुछ वैसे है, तो मतलब मैंने स्टाइल किया है बेसिकली. सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन जरूर बताना कि कौन सी आउटफिट आपकी फेवरेट थी. एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो. सो फॉर माई फर्स्ट आउटफिट मैंने चूज की है साड़ी. मैंने ना एक प्लेन बेसिक साड़ी ले ली, दिस इज़ माई भाभी साड़ी. तो उसको मैंने एक प्यारे से क्रॉप टॉप, बहुत ही बेसिक क्रॉप टॉप के साथ पैर कर लिया. एंड इतना अच्छा टर्न आउट हुआ है ये आउटफिट. आप भी अपने मम्मी के वॉर्ड्रॉप से या किसी की भी, मतलब जिस जो भी साड़ी पहनते हो आपके घर में, वो प्लेन बेसिक साड़ी को क्रॉप टॉप या कोई भी अच्छा सा ब्लाउज लेके उसको पैर कर लो, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर दिवाली इवेंट. एंड आई एम टोटली इन लव विथ दिस लुक. सेकेंड आउटफिट व्हाट आई डिड इज मैंने थोड़ा DIY किया है. मैंने मम्मी की साड़ी को कुर्ती में सिलवा लिया, एंड देन कपड़ा लेके मैंने पैंट भी सिलवा दी. एंड जैसे ये पूरा टर्न आउट हुआ है ना, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो दिवाली से पहले, पूजा या दिवाली में पहनने के लिए. सो यस, ये थी मेरी सेकेंड आउटफिट. सो दिस आउटफिट इज़ एब्सोल्युटली माई फेवरेट आउटफिट, क्योंकि इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े. बट बिना एफर्ट के ये इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, बहुत एलिगेंट. मैंने ये डेली हार्ट से लिया है कुर्ती, एंड इसके नीचे मैंने ब्लैक जीन्स पहनी है, ऊपर से क्रॉप टॉप, क्योंकि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होती है, इसका लुक ही ऐसा होता है. एंड एक्सेसराइज इसको अच्छे से जंग ज्वेलरी से कर देना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा. सो ये थी मेरी थर्ड आउटफिट. ये आउटफिट उनके लिए जिनको थोड़ा चंकी और बोहेमियन लुक ज़्यादा पसंद है. ये जो आउटफिट है मेरी मामा का सूट है, उसको मैंने स्टाइल कर लिया. काफ़ी चंकी ज्वेलरी मैंने यूज़ की है, कॉन्ट्रास्ट कलर देने के लिए ग्रीन कलर का ज्वेलरी यूज़ किया है. एंड ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है. अगर आपको ऐसा ही कुछ मिनिमल और काफ़ी बोहेमियन फ्लोई चीज़ें पसंद है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो. So yeah, that's what I did. And tell me in the comment section below कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है. लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना. नहीं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी है, देखते रहना. लास्ट आउटफिट मैंने थोड़ा डीवा टाइप ऑफ आउटफिट रखा है. जिन लड़कियों को ज़्यादा इंडियन नहीं पसंद, जिनको थोड़ा टच वो वेस्टर्न देना होता है, तो आप क्रॉप टॉप को प्लाजो के साथ पैर कर सकते हो. ऑल्सो आप कोई शरारा प्लाजो यूज़ करोगे ना, तो ज़्यादा बेटर लगेगा. वो मैंने ऑलरेडी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ एंड इंस्टाग्राम में यूज़ कर लिया था, तो इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया. आप अगर शरारा और कोई फ्लोई प्लाजो यूज़ करोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगेगा. सो यस, ये था मेरा लास्ट आउटफिट. एंड प्लीज़ बताओ वीडियो कैसी लगी. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. ब्लूपर्स देख लो यार. नाचू.